नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पबजी गेम के माध्यम से हुई एक अनोखी दोस्ती ने चर्चा का विषय बना दिया है। अछलदा थाना क्षेत्र के सुभानपुर निवासी हिमांशु कठेरिया की दोस्ती पबजी खेलते समय अमेरिका के फ्लोरिडा की रहने वाली ब्रुकलिन नामक महिला से हो गई। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ब्रुकलिन हिमांशु से मिलने साथ समुंदर पार कर औरैया पहुंची। ब्रुकलिन के हिमांशु के घर पर ठहरने के दौरान हिमांशु ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी, जो कि एक बड़ी गलती साबित हुई। नियमानुसार किसी भी विदेशी के भारतीय घर में रुकने की जानकारी पुलिस को फॉर्म सी के माध्यम से देनी आवश्यक होती है, जिसे हिमांशु ने नज़रअंदाज कर दिया। घटना तब चर्चा में आई जब हिमांशु और ब्रुकलिन 11 जून को एक बस से दिल्ली जा रहे थे। बस में यात्रा कर रहे किसी यात्री ने पुलिस को सूचना दी। शिकोहाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों से पूछताछ की। जांच में ब्रुकलिन के पासपोर्ट और अन्य कागजात सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। दूसरी ओर हिमांशु को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस के अनुसार हिमांशु द्वारा फॉर्म सी के तहत जानकारी न देने के कारण उसे नोटिस जारी किया गया है। मामले को लेकर जिले की SP का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक के भारतीय घर में रुकने की सूचना देना आवश्यक होता है और इसी मामले में हिमांशु की गलती स्पष्ट है। ब्रुकलिन की यात्रा, हिमांशु से उसकी मुलाकात की खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना ने पबजी गेम के माध्यम से हुई दोस्ती की नई मिसाल पेश की है। वहीं इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशियों के निवास के संबंध में नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। ब्रुकलिन और हिमांशु की दोस्ती की ये कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है, जहां लोग इस अनोखी दोस्ती पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग इसे पबजी गेम की सकारात्मकता मान रहे हैं, जबकि कुछ नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठा रहे हैं। समाज में हो रही इस चर्चा ने पबजी गेम के जरिए बने रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल का एक नया उदाहरण पेश किया है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनी दोस्ती वास्तविक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, बशर्ते नियमों और कानूनों का सही ढंग से पालन किया जाए। इस पूरे मामले ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन हो सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हिमांशु को मिली इस चेतावनी के बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे मामलों में लोग कैसे सतर्कता बरतते हैं। ये मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्रसारित हो रही है, जिसके संबंध में जानकारी दी गई। तो यह ज्ञात हुआ कि 5 जून 2024 को थाना छलदा क्षेत्र में एक बाहर से विदेशी महिला आकर अपने एक मित्र के साथ रही थी और 11 तारीख को वो बाई बस शिकोहाबाद जा रही थी। तो कुछ लोगों ने थाने को सूचना दी। थाने को सूचना देने के बाद उसका वीजा और पासपोर्ट वैलिड पाने के उपरांत मुख्यालय को सूचना प्रेषित पूर्व में की जा चुकी है। और इसमें क्योंकि अब तक की जानकारी से जो महिला है वो टूरिस्ट वीजा पर है, उसके पास मल्टीपल एंट्री वीजा है। 2023 से इंडिया में उसका आना जाना है। वर्तमान में जिस पते पर स्थायी रूप से वो रह रहे हैं उसकी जानकारी मुख्यालय के पास उपलब्ध है और इस संबंध में जो भी होटल या कोई प्राइवेट व्यक्ति जिसके यहाँ कोई विदेशी व्यक्ति आके रहता है उसको फॉर्म सी में सूचना उपलब्ध करानी होती है, परंतु जानकारी के अभाव में हिमांशु कठेरिया सन ऑफ श्याम सुंदर ये सुभानपुर अछलदा जनपद औरैया के रहने वाले हैं, इनके यहाँ आकर रही थी। इन्होंने फॉर्म सी में सूचना उपलब्ध नहीं कराई, इनको इसकी जानकारी नहीं थी। फॉर्म सी ना उपलब्ध कराने के संबंध में इन्हें नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब आने पर इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो होटल और लॉज आदि होते हैं उन सबके पास फॉर्म सी पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उनको जानकारी रहे कि अगर भी कोई विदेशी टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति आके रहता है तो उसकी जानकारी वो तत्काल पुलिस को दे दे। इस संबंध में मुख्यालय से वार्ता कर ली गई है, उनके पास समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। किसी भी अन्य विधिक कार्रवाई की आवश्यकता इसमें प्रतीत नहीं होती है।